आप सबों को यीशु मसीह के जी उठने का दिन मुबारक हो। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता बेटा है और हमारा उद्धार करता है, हमसे बेहद और गहरी मोहब्बत करता है। भूल हमसे हुई है लेकिन उसने माफ किया। सजा के बदले उसने हमें शिफा दी। हम जो गुनहगार हैं, सजा हमें पाना था लेकिन मसीह ने सारे गुनाहों का बोझ उठा लिया। मृत्युंजय प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया। आइए इसे गीत के रूप में क्रिस्टोफर दत्ता से सुने, जो कि हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका गीत हमारे साथ में है। प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात।
तेरी महिमा की क्या बात है, कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा। हमने दुख भोग सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन के कार्यों को देखे थे। उनकी यातनाओं के बारे में हमने शुक्रवार को सुना, लेकिन यीशु जीवित है। लोगों ने उसे भाला भोग कर परख लिया कि लहू नहीं पानी निकल रहा है, अर्थात यीशु की मृत्यु हो चुकी है। यीशु क्रूस पर अपना प्राण केवल हमारे लिए दिया। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। क्रूस पर जो लटकते थे, जिनकी मृत्यु नहीं होती थी, उनके पैरों की हड्डियों को तोड़ दिया जाता था ताकि लटक जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन यीशु मसीह के एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो लिखा है वो सही है, जो बोला है वो होता है। यीशु भी व्यर्थ की बातें नहीं करता, जो कहता है उसे पूरा करता है। यीशु को क्रूस पर से उतारे, उसे कब्र में रखे। रोमी सरकार को ज्ञात था कि उसने कहा था कि तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए बड़ा सा पत्थर उस कब्र के ऊपर लगा दिया गया, सील कर दिया गया, पहरेदार बैठा दिए गए, सब इंतजाम कड़ा था। स्वर्गदूत आए और पत्थर लुढ़का दिए। सिपाही बेहोश था क्योंकि उसकी रोशनी देख नहीं सके। कहां परमेश्वर की शक्ति और कहां रोमी सरकार? इनका सारा इंतजाम व्यर्थ हो गया। प्रातः को महिलाएं आई, देखी पत्थर लुढ़का हुआ है। चेलों को पता चला, दौड़ कर आए। यीशु का वस्त्र वहां देख के ऐसा रखा था जैसे यहूदियों के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं और वो कपड़े पलंग पर घड़ी किए हुए रखे रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर से आने वाले हैं, वो बाहर गए हुए हैं, वो अभी जाने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के कब्र को खाली था और उस कब्र के एक तरफ उसके कपड़े अच्छे लपेट कर रखे करके यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कब्र देखते ही कपड़े एक तरफ रखे हैं, मतलब यीशु मसीह फिर आने वाला है, वहीं पर इसका संकेत हो जाता है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। पत्थर लुढ़का दिए। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं पत्थर को क्यों लुढ़काए। यीशु मसीह निकल जाए इसलिए नहीं लुढ़काए, इसलिए लुढ़काए कि कब्र खाली है, उसे हम देख सकें और देख कर ये समझ सकें कि यीशु मसीह निकल गया है, जीवित है और हमें लेने के लिए फिर आवेगा। लूका रचित सुसमाचार 24:5 में आखिर में लिखा हुआ है कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। यीशु मसीह जीवित है, यही आज का समाचार है, यही पुनरुत्थान है, यही हमारे लिए जीवन है, यही हमारा सबक है। पहले स्त्रियों को दर्शन दिया, मरियम मगदलनी को, फिर बाकी महिलाओं को जो कि सलोमी, मरियम माँ, यीशु की माँ, ये स्त्रियों को वो दिखाई दिया और फिर पतरस को दिखाई दिया। पतरस को जो बड़ा जोशीला और आगे आगे लेखक चलने वाला था, और मालूम पतरस को यीशु मसीह यूहन्ना 21:15 में पूछता है, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यह प्रश्न 3 बार पूछता है। किस लिए? इसलिए कि पतरस ने 3 बार झूठ बोला था, इसलिए 3 बार उससे यहां बुलवाया है। फिर 10 शिष्यों को दिखाई देता है। 10 का मतलब एक यहूदा तो गया, थोमा कहीं निकल गया घूमने के लिए, कुछ अरेंजमेंट करना होगा,
यूहन्ना 20:19 में देखो, और फिर बंद दरवाजे थे, कोई फर्क नहीं, यीशु आत्मा है और अंदर चले आया, कहे तुम्हें शांति मिले। यह बात जब थोमा आया तो थोमा को इन लोगों ने बताया। थोमा बोला, मैं इस बातों पर विश्वास नहीं करता, ये तो पहले भी वैसा ही था, लाजर के समय भी वो कहता है कि चलो उसके साथ मरने अपन भी चले करके, ये मालूम जैसे कि यूहन्ना 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए थोमा बोलता है कि तुम लोग एक इमेजिनेशन में हो, तुम लोग इसी सोच में हो, तो तुम लोग ऐसी सपना देख रहे हो, ऐसा करके वो कहता है। फिर भी यीशु 8वें दिन बात उसी तरीके से उसके बीच आया, और उस समय थोमा वहां था। थोमा पूरा विश्वास किया, प्रभु कितना महान है, वो चेलों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए 8 दिन बाद फिर वो आ गया, कहता है उंगली डाल के देख ले, और फिर उसके बाद उस विश्वास किया, और ये सही बात निकला कि प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुझे हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वही थोमा भारत आया, उसकी सेवकाई के कारण यहाँ जागृति आई है। चेलों को जब मछली नहीं मिल रही थी तो यीशु मसीह वहां उनको डायरेक्शन दिया, जाल भर गया, 153 मछलियां निकली। उतना ही नहीं, उनकी मछली भूनकर उनको रोटी के साथ खिलाया, मुझे लगता है कि मछली का बर्गर बना के खिलाया। यीशु बार बार दिखाई देता रहा, सबकी सुधि लेता रहा। लूका 24:13 से आप पढ़िए, इमाउस के 2 यात्रियों के साथ 7 मील चला, इसमें उनका नाम क्लियोपस एक था और दूसरा नाम लिखा नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि वो उसकी पत्नी मरियम थी। क्लियोपस और मरियम उसकी पत्नी, ये दोनों जा रहे थे, इनके पीछे पीछे इनके साथ साथ यीशु मसीह भी था, और यहाँ पर ये दोनों मसीह यीशु के क्रूसीफिकेशन को देखने के लिए गए थे, मतलब विश्वासी थे, लेकिन निराश होकर लौट रहे थे। और जैसे कि कैश वचन में कहता है, हमें आशा थी कि ये इसराइलियों को छुटकारा देगा, आशा थी मतलब अब आशा नहीं रह गई, मतलब ये है कि वो सब कुछ खत्म, भूत गिर गए, तीसरे दिन जी उठने वाला है, ये सारी चीजें भूल गए हैं। अब पूरा उस अध्याय को पढ़ लेना, स्पष्ट हो जाएगा। यीशु उनके साथ साथ 7 मील चला, बातें करता रहा, वो उसको नहीं पहचाने। इसी तरह हमारे साथ भी यीशु मसीह रहता है, हमसे बातें करता है, हमारे साथ साथ चलता है, हम उसको नहीं पहचानते। दूसरा कुरंती 4:4 में जैसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यीशु उनके साथ उनके घर गया, वहां दोनों पति पत्नी ने एक अच्छा काम किया कि उसको रोके, यीशु जाने वाला था उसको रोके। यीशु रुका, रोकोगे तो रुक जाएगा, बुलाओगे तो आ जाएगा, बोलोगे तो सुनेगा। यीशु उनके डाइनिंग टेबल पर बैठा और उनके साथ जब रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुल गई। लिखा है जब उनकी आंखें खुल गई उसके बाद वो गायब हो गया, उनकी आंखें खुल गई, यीशु को पहचान लिए और यीशु का मकसद पूरा हुआ, वहां से निकल गया। 34 वचन में लिखा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। यहाँ बात उठी ना, सही बात पहचाने, प्रभु जी उठी। देखिए हम अपने आप में कुछ निगेटिव थिंकिंग लेके जाते हैं, पॉजिटिव हमारे पास नहीं रहता, आता है तो भी उसको हम निकाल देते हैं। हमारा पूरा शरीर का त्वचा मान लो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चेहरे में एक छोटा सा पिंपल आ गया तो हमारा ध्यान पूरा उसी पिंपल की ओर रहता है, सारे अच्छे शरीर को भूल जाते हैं, उसी एक चीज को याद रखते हैं। वैसे ही मान लो हमारे 1000 दोस्त हैं, लेकिन एक यदि दुश्मन हो गया तो पूरा ध्यान उसी दुश्मन पर लगा रहता है। मैं एक बात और बताऊं, जैसे कि 1,00,000 रुपए कमाए तो उस पर नहीं, लेकिन टाइट देना है तो उस टाइट पर हमारा ध्यान रहता है, अरे बाप रे इतना दे देना है। लेकिन देखना परमेश्वर कहता है कि तुम सारे अपने चीजें अपने उपज अपने अनाज भंडार मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और तुम अपनी चीजें जो तुम मुझे देते हो उसके बदले में तुम्हें प्राप्त होगा, तुम जो कुछ भी अपना समय देते हो उसका तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हारे घराने पे आशीष मिलेगा, जो कुछ तुम मेरे लिए करोगे मैं उसका तुम्हें बदला दूंगा, जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, और मेरे सारी चीजों का सुधि लेने वाला मेरा परमेश्वर है, और उसी के आधार पर मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, और हमारा जीवन उसी के आधार पर चलता है। देखिए
याद रखना, अपनी ज्योति में हमें बचाता है, हमारे क्लेश के चलता है, चाहे वो गिरा दे, चाहे उठाए, नाश करे, उठा ले, वो हमारा है। मैं इसका हूँ, अपने आप को समर्पित कर दो। अब तो पिता हम अपना समर्पण करते हैं तेरे चरणों पर। अंधियारे को दूर भगा दे अपनी ज्योति की किरणों पर। अंधियारे को दूर भगा दे अपनी ज्योति की किरणों पर। अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला, अब तू चाहे हंसा ले, अब तू चाहे रुला। जिंदगी जिंदगी तेरे ही हाथ है, तेरे मन मा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया, हमको दीना सजा हमको दे दी शिफा, हमको दीना सजा हमको दे दी शिफा, हमको माफ किया, पाप हमने किया, प्यार तूने किया, पाप हमने, हमारे पापों का बोझ तूने उठा लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बहुत कुछ किया। हे पिता धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। आशीष दे खुदा, तेरे जी उठने का मकसद हमारे जीवन में पूरा हो जाए। जीवित परमेश्वर आज भी हमारे साथ में है खुदावंद, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम चाहे जिस स्थिति में भी रहें, हम तेरे हैं, हमें ग्रहण कर। आज के दिन खुदावंद हम में से जितनों ने तुझे ग्रहण किया है उन पर तेरा अनुग्रह हो, तू अपनी आशीष दे, ताकि खुदावंद तू जीवित परमेश्वर है, कब्र से निकला है, कब्र खाली है, जिस प्रकार से खुदावंद हमारे हृदय को भी तू खाली कर, ताकि तेरी रोशनी हमारे अंदर में आ जाए। बाकी सारी चीजों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।